हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही नई, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही चटपटी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बिल्कुल भी तला हुआ नहीं है और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी है ये देखिए, और बहुत ही हेल्दी है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सचर जार, और जार में हम डालेंगे 1 कप के करीब में फ्रेश कटे हुए हरे धनिया के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, 1 छोटी चम्मच के करीब में डालेंगे धनिया पाउडर, आप साबुत धनिया भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच के करीब में हम सौंफ डालेंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियों को छील करके इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप करें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल स्मूथ। मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब में ऑयल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज 1/2 कप के करीब में, और इसको हमें हल्की आँच पर भूनना है अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए हल्की आँच पर भून लिया है और ये सुनहरे होने लगे हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है स्वीट कॉर्न, और इसको भी हम डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे मटर के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप दोनों ही चीज़ें स्किप कर लें। इसको भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो देख सकते हैं आप, स्वीट कॉर्न भी हल्के हल्के से कुक हो गए हैं और यहाँ पर जो प्याज है वो भी सुनहरा हो गया है। तो अब हमने जो ग्राइंड करके पेस्ट लिया था ना धनिए का, वो हम इसमें ऐड कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, तो हम इसको डाल देते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिला लेते हैं इसको। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब में चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर। बाकी सारे मसाले हमने धनिया को पीसते समय डाल दिया था तो हमें अब डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मिलाकर 2 मिनट पका लेंगे और ये हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर लिया है बॉयल किए हुए आलू। 3 आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था और इनको अच्छे से मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। हम इनको इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही हम स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और इनको हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है। जो बड़े टुकड़े हैं आलू के उन्हें अच्छे से मैश कर लें और अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे हमें मिलाना है। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये मिक्सचर लगभग ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा अपने हाथों पर हमें तेल डालकर सिकना कर लेना है ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। तो हम इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसको अच्छी तरीके से हाथों पर ही रोल करेंगे। रोल हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटे छोटे रोल इस तरीके से बना लेने हैं। इसको अच्छे से हम गोल कर लेंगे और चिकना कर लेंगे। इसी तरीके से सारे रोल्स हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 3 छोटे छोटे रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें लेना है एक बड़ा सा बाउल, और बाउल में हम डालेंगे 1 कप के करीब में सेमोलिना यानी कि रवा या सूजी, जो भी आप बोलते हो। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली थी। अब हम डालेंगे 1/2 कप के करीब में दही। दही खट्टी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें, तो दही हम इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/2 कप से करीब में। नमक डाल देंगे हल्का सा 1/2 छोटी चम्मच के करीब में, और अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी इसमें ऐड करना है। तो हमने इनको मिला लिया है और ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी की ज़रूरत पड़ी है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। और एक गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है, पानी जैसा घोल नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से इनको फेंट लेंगे और इनको मिला लेंगे। अब हम इनको रेस्ट करने रख देंगे, क्योंकि जो सूजी होती है वो पानी बहुत ज़्यादा पीती है। इसके लिए हमें इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखना है ताकि ये फूल जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से फूल गया है और ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हमें इसे स्टीम करने के लिए 1 कढ़ाई में 1 से 1.5 कप के करीब में पानी डाल लिया है, और 1 स्टैंड भी हम इसमें डाल देंगे। स्टैंड की जगह पे आप छोटा सा प्लेट भी इसमें रख सकते हैं। और अब हम इसको ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। तब तक हमने यहाँ पर छोटे ग्लास लिए हैं ये देखिए, और इसमें हमें थोड़ा सा तेल लगा करके ग्रीस कर लेना है। आप बड़े ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं।
ग्लास को हमने चिकना कर लिया है तेल से और बैटर हमारा रेडी है, तो हम इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे इनो का सैसे कि देखिए मैंने एक सैचेट लिया है और ये इसमें हम डाल देंगे पूरा। और इनो फ्रूट सॉल्ट को हमें डालकर ज़्यादा नहीं मिलाना है, हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला लेना है। देखिए बहुत ही बैटर हल्का और फ्लफी हो जाता है कि देखिए, तो ये अच्छे से तैयार हो गया है। फटाफट से हमने जो हमने ग्लास को चिकना करके रखा है ना तेल लगा करके, उसमें हमें इसमें डाल लेना है, तो हम डाल देते हैं। लेकिन हमें ग्लास को पूरा भरना नहीं है, आधा भरेंगे इस मिक्सर से। और अब हमने जो रोल करके आलू का मिक्सर रखा था उसे हमें बिल्कुल बीच में हल्के हाथों से दबा देना है और जितना दूर दिख रहा है ना उसको हमें कवर कर लेना है मिक्सर से। बहुत ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि ये बहुत फूलती है तो बाहर तक गिरने लगता है, इसीलिए हमें हल्का सा टैप करेंगे और ये तैयार है। सारे ग्लास हम इसी तरीके से भर लेते हैं। तब तक हमारा जो पानी हमने स्टीम करने रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो रहा है, अब देख रहे हैं बहुत उबल रहा है। तो हम यहाँ पर स्टैंड के ऊपर ये ग्लास इसके ऊपर रख लेंगे। आप अगर प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो प्लेट के ऊपर रखें, ये देखिए। और अब हम इसको ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। फ्लेम को मीडियम रख के हम इसको कुक कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं हम इनको, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से फूल गए हैं, ये अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो हम इसको चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए किसी भी चम्मच या फिर नाइफ की मदद से हम इसको चेक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। तो हम इसको निकाल कर ठंडा होने देंगे। ये ग्लास पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो हम इनको निकाल लिए हैं। और इसको कढ़ाई में ही मैंने ठंडा होने तक रखा था, अगर बाहर रख के रखेंगे तो ये ऊपर की जो लेयर है ना वो टफ हो जाएगी। तो अब हमें इनको ग्लास से निकालना है, तो चम्मच या फिर चाकू की मदद से इनके किनारे इस तरीके से निकाल लेंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे। और ये देखिए पूरे का पूरा इडली हमारा निकल गया है, ये देखिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम इसको और भी मज़ेदार बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक पैन पे डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा फैला लेंगे। आधी छोटी चम्मच के करीब में सरसों के दाने डालकर इनको क्रैकल करेंगे। अब हमने लिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी और इनको हाथों पर क्रश करके डालेंगे। आप इसकी जगह पे धनिया के पत्ते बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब में सेजवान चटनी ऐड करेंगे। और इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सेजवान चटनी डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो हमने इसमें इसको डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसको गीला कर लेंगे और तवे पर अच्छे से फैला लेंगे। मैंने इनको अच्छे से फैला लिया है और अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि ये मिक्सचर जो हमारा है ना बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है ये और कलर भी बहुत ही औसम है, आप देख सकते हैं। अब हमें ये जो इडली का रोल हमने बनाया था ना उनको हमें लेना है और इसके ऊपर हल्के हल्के से रोल करना है। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से मसाला जो है उसके ऊपर स्टिक कर ले, चिपका ले, ये देखिए। तो इसको हमने इस तरीके से बना लिया है और अब हम इनको हल्के हाथों से तेज धार वाले चाकू से हम इनको काट लेंगे स्लाइसेस में, ये देखिए। तो देखा आपने कितना इजी है बनाना और बिना तले ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी सूजी से बना हुआ है नाश्ता और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यमी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ढेर सारी और भी रेसिपीज़ के लिए आप ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ के लिंक दे दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप ये रेसिपीज़ YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और Twitter पर भी देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।